अब आप अपने बॉस की ईमेल को या मैसेज को नज़रअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं लीगली ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलिया में राइट टू इग्नोर योर बॉस जो है आफ्टर वर्क, यानी कि आपके शिफ्ट ख़त्म होने के बाद या आपके जब काम पे घंटे ख़त्म हो जाते हैं तो आप लीगली अपने बॉस का ईमेल और मैसेज जो है इग्नोर कर सकते हैं. ऐसा लॉ आया है उनके जो फ्रेमवर्क में है, ये फेयर वर्क एक्ट में ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है आज से. लेकिन इसका ग्लोबली पूरे विश्व में क्या मतलब है, कितना काम ज़्यादा काम होता है, कितना काम कम काम होता है, जब आपका बॉस आपको मैसेज या कॉल करना चाहता है, अगर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है तो क्या ये सही है गलत है, ये सारे ही सवाल जो हैं अब आ रहे हैं. हमने याद रखिए ऐसे काफ़ी सारे सिमिलर लॉज जो हैं देखे हैं फ्रांस और जर्मनी में और काफ़ी सारे बाकी EU नेशंस में कि ऐसे सिमिलर लॉज होते हैं. लेकिन ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं मिताली निकोर सीनियर इकोनॉमिस्ट, संचिता मुखर्जी सीनियर बिजनेस इकोनॉमिस्ट और मैनेजिंग पार्टनर टॉक द वॉक. बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए. मिताली, सबसे पहले तो क्या ये पूरी ही बात जो है, जैसे जो अब रियल चॉइस आई है ऑस्ट्रेलिया में और राइट टू इग्नोर योर बॉस एक तरह से एक लीगल फ्रेमवर्क हो चुका है, क्या इससे ये सवाल आता है कि बाउंड्री जो है और बैलेंस जो है वापस पूरे विश्व में आना चाहिए? जहाँ तक एम्प्लॉयज़ का सवाल है, जो कर्मचारी हैं उनके लिए किसी भी सेक्टर में ये चॉइस होनी चाहिए और उनको जो है गिल्टी नहीं फील होना चाहिए. बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ को बहुत गिल्टी फील होता है कि अगर अपने छुट्टी वाले दिन भी उन्होंने अपने बॉस का जवाब नहीं दिया. तो ये सारे सवाल अब आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, तो थैंक यू आप मुझे इस कॉन्वर्सेशन में लेके आए और हमेशा आपके और संचिता के साथ बात करने में बहुत ही मजा आता है. तो ये मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ इस डिस्कशन पे. लेकिन अगर हम इस चीज को एक बहुत प्रैक्टिकल नजरिए से सोचें, मतलब सबसे पहले तो हम ऑस्ट्रेलिया की ही बात करते हैं जहाँ पर ये लॉ आया है. अब ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा तो नहीं है कि वो जो लोग काम कर रहे हैं वो केवल ऑस्ट्रेलिया में ही काम कर रहे हैं. बहुत सारे लोग इंटरनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके टाइम जोन अलग अलग होते हैं. मतलब अगर यहाँ पर 6 बजे हैं तो ऐसे जरूरी नहीं है कि US में भी या यूनाइटेड किंगडम में भी जहाँ पे उनके पार्टनर्स होंगे या फिर इंडिया में भी उनके पार्टनर्स होंगे उनका टाइम अलग रहेगा. तो कैसे ये टाइम जोन की प्रॉब्लम मैनेज होगी एक ग्लोबल वर्क प्लेस में, ये सबसे बड़ा एक इशू आ जाता है. दूसरा इशू ये है कि अगर हम यंगर वर्कर्स की बात करें, जैसे हम कहते हैं जेन जी, अब मेरी टीम में भी निकोर एसोसिएट्स में 90% सारे जेन जी ही हैं और उनका डेफिनेटली एक एस्पिरेशन है कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट करने के लिए. तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड है जो कि हमारी जनरेशन ने शायद उतनी उस तरह से नहीं करी और हम भी आज कर रहे हैं. और सिर्फ आपका बॉस ही नहीं, आपको राइट होना चाहिए डिस्कनेक्ट अपने क्लाइंट के लिए भी, क्योंकि ये लॉ अगर देखा जाए तो ये मेनली एम्प्लॉयज के लिए आया है कि किसी कंपनी में जो कर्मचारी है वहां काम कर रहे हैं उनके लिए आया है. लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको अपने क्लाइंट से मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसका क्या करें? और दूसरा, अगर आपका कोई गिग वर्कर है जो किसी भी टाइम पे उनको शिफ्ट सिस्टम में काम मिल रहा है तो फिर उसका क्या करें? तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसा कोई लॉ अगर है तो उसमें ये वाले इश्यूज भी क्लियरली एक्सप्लेन होने चाहिए कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगे. और तीसरी बात जो मैं कहूंगी कि वो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ इतना कॉम्पिटिशन है, यहाँ का सेक्टर इतना ज्यादा डाइवर्स है, जैसे संचिता भी हमें एक्सप्लेन कर रही थी, तो इसको देखने के लिए यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेपरेशन की जरूरत है. ये अभी इंडिया में, क्योंकि अभी अगर हम देखें 94% इंडियन वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, अभी भी 75% विमेन फॉर एग्जाम्पल रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर में काम करती है. तो इस काइंड ऑफ लॉ का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है, ये हमें एक्चुअली सोचने की जरूरत है. और सबसे लास्ट चीज मैं ये कहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयर प्रोडक्टिविटी के लिए है फ्लेक्सिबिलिटी. 4-day वर्क वीक की बात हुई हुई है, वो अगर इम्प्लीमेंट होता है या फिर अगर हम आवर्स को डिफाइन कर दें कि हाँ आपको दिन में 8 घंटे करने हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, आप सुबह भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है,
तो मुझे लगता है कि जेन जी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा अप्रिशिएट करता है, एटलीस्ट हमने अपनी टीम में खुद ही एक्सपीरियंस देखा है कि वो डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं. तो ये राइट टू इग्नोर योर बॉस बहुत अच्छी बात है इन थ्योरी, लेकिन इन प्रैक्टिस मुझे नहीं पता है ये कितना सक्सेसफुल होगा, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में. जी बिल्कुल संचिता, क्या आप सहमत है कि ये राइट टू इग्नोर योर बॉस का जो फ्रेमवर्क है ऑस्ट्रेलिया में जो आज से लागू है, ये इम्प्लीमेंट करना कैसे रहेगा पता नहीं। और भारत के प्रति अगर हमें एक सेक्टर वाइज अप्रोच चाहिए या पूरे विश्व में ग्लोबली हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो है पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए, एम्प्लॉई वेलबींग पर ज़्यादा ध्यान हो रहा है। याद रखिए हम एक हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ हम डिजिटली जो है हमेशा ही काम से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये एम्प्लॉई वेलबींग के लिए ये आया है ऐसा काफ़ी एनालिस्ट का मानना है। आप क्या कहेंगी, आपका क्या ख्याल है? धन्यवाद साक्षी एंड थैंक यू शो के लिए. आई कंप्लीटली अग्री. मैं मिताली से भी बहुत सहमत हूँ, आपसे भी बहुत सहमत हूँ. मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऐसे कॉन्वर्सेशंस आज की तारीख में हो रहे हैं. ये कॉन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हमारे यहाँ पर बहुत कम डिफाइंड है, क्योंकि हमारे सेक्टर्स काफ़ी सारे हैं. एक्चुअली अगर आप देखोगे विज़ावी एनी अदर इकोनॉमी वर्ल्ड में, इंडियन सेक्टर्स आर द हाईएस्ट. बहुत डाइवर्सिटी है हमारी इकोनॉमी में, बहुत सारे सेक्टर्स हैं. हम सिर्फ आईटी की बात नहीं कर सकते, मोस्टली एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय वर्क आवर्स की जब भी हम बात करते हैं हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं. बट आईटी के अलावा वी हैव फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, राइट? तो हर सेक्टर में अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, अलग अलग प्रोडक्टिविटी होती है, अलग अलग टाइम डिफरेंसेस होती है, जॉब टाइमिंग्स की अलग अलग डेफिनेशंस होती है. बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक चीज हमें मान के चलनी पड़ेगी. इन द वर्ल्ड देयर वाज अ रैंकिंग जो हुई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इंडिया का एवरेज वर्क आवर्स पर वीक इज 47.7 एंड इंडिया रैंक्स नंबर 7, सातवीं नंबर पे है इन वर्ल्ड्स मोस्ट डिफिकल्ट कंट्रीज विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक. उस रैंकिंग में हम वर्ल्ड नंबर 7 है. सो हमारे वर्क आवर्स ऑलरेडी काफी हद तक हाई है पर वीक. 47.7 इज अ बिग नंबर. रिसेंटली काफी रेजिंग एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, डिबेट हुई थी, आई थिंक प्रोमोटर एक्स फाउंडर ऑफ इन्फोसिस मिस्टर नारायण मूर्ति, उन्होंने कहा था 70 आवर्स अ वीक करके एक चर्चा छेड़ी थी, जो एकदम आई थिंक इट वॉज रियली ब्लोन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. बट उस पर काफ़ी अच्छी डिबेट हुई थी. द गुड फॉलोआउट वॉज कि उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स निकले थे. काफ़ी लोग प्रो थे, काफ़ी लोग कौन थे, मतलब अगेंस्ट एंड फॉर थे. बट उस पर ये मुद्दा निकल के आया कि एक्चुअली आप अगर देखोगे इंडियन इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस है, 2500 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, 4000 हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, 500-600 हमारे प्रोफेशनल्स के कॉलेजेस है, ठीक है, 1.5 मिलियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पर ईयर आ रहे हैं वर्कफोर्स में, राइट? वर्क वैसे भी कम है. हमारा जो एज है, इंडिया का जो आईटी का एज है वो क्यों है? क्योंकि लास्ट 20 इयर्स 30 इयर्स ये जो स्टॉलवर्ट आईटी कंपनीज है ये ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ये वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुके हैं. टूडेज डेट आर वी रेडी टू गिव अप दैट एज? वो क्या हम खोना चाहते हैं? अदर कंट्रीज बैठे हुए हैं, फिलीपींस बैठे हुए हैं, वियतनाम बैठा हुआ है, मेक्सिको बैठे हुए हैं, दे आर हैप्पी टू टेक ऑन. वो तो हमारा जो भी जॉब हम मना कर देंगे वर्क लाइफ बैलेंस के इश्यू पे, तो वो ले लेंगे. सो ये डिबेट होना चाहिए. और अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 70 आवर्स अ वीक करे, ईमेल जैसे ही आए तुरंत 11 PM पे वो चेक करे, वो अपना काम करे, तो हम उनको क्या दे रहे हैं कॉम्पेंसेशन में? कॉम्पेंसेशन अगर देखा जाए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का, उनका क्या कॉम्पेंसेशन है? 3 लाख एवरेज सैलरी पर एनम उनकी कॉम्पेंसेशन है. इन्फ्लेशन है 5%. वो हाथ में कितना जोड़ते, घर कितना लेके जाते हैं, जबकि उनकी अपनी बिलियनर जो फाउंडर्स है वो लोग बहुत पैसे बना रहे हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में उनकी जो लिस्टेड स्टॉक्स है वो तो तेजी से भाग रहे हैं. तो उनकी ईसॉप्स वगैरह अच्छा कर रहे हैं, बायबैक हो रही है उनकी, डिविडेंड पे आउट अच्छा हो रहा है. तो आपको ऐसे डिस्कशंस हरगिज करनी चाहिए. एक तो
एज एन एम्प्लॉई, अगर आप मैंडेटरी कर रहे हो या वॉलंटरी कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं 7 घंटे 8 घंटे या 9 घंटे के ऊपर जो मेरा मैंडेटरी है उसके ऊपर मैं ऑब्लिगेशन में आके काम कर रही हूँ, तो वो मेरा अनपेड लेबर हो गया, राइट? तो वो एक पूरा अनपेड लेबर हो गया, उसके लिए ना मुझे कॉम्पेंसेशन मिल रही है, ना मुझे गुडविल मिल रही है, ना मेरे पास ईसॉप्स है, मेरे पास एक फिक्स सैलरी है जो पीनट्स के बराबर है, राइट? सो ये कॉन्वर्सेशंस होना बहुत जरूरी है. बट हैविंग सेड दैट, इंडिया में आईटी इज नॉट द ओनली सेक्टर, हर सेक्टर में अलग अलग अप्रोच है. वुमेन का रिप्रेजेंटेशन, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज मैंने देखा है, मैंने खुद लार्ज एमएनसी बैंक्स के साथ काम किया है, उनका एक पर्टिकुलर वर्क आवर होती है, देयर इज अ राइट टू डिस्कनेक्ट. आईटी में शायद होती नहीं, उनके क्लाइंट्स होते हैं यूएस बेस्ड, यूरोप बेस्ड, सो वहां पर वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज्यादा अलग होती है. कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अलग होती है, मैन्युफैक्चरिंग में काफी हद तक फिक्स रहती है. इंडिया एज अ कंट्री मटर्निटी पे भी बहुत अच्छा तरक्की की है विज अ वी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेनिफिट्स आते हैं. बट वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनेटली, आई थिंक ये चर्चा जो ऑस्ट्रेलिया ने छेड़ा था कि राइट टू डिस्कनेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है. क्योंकि अगर हम अनपेड लेबर का काम कर रहे हैं एट 11 PM इन द नाइट, मैं अपने घर में बैठ के एक ऑब्लिगेशन मोड पे अपने बॉस को ईमेल का जवाब दे रही हूँ जबकि उसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? टॉक्सिक वर्क कल्चर. टॉक्सिक वर्क कल्चर से क्या होता है, अनप्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बर्नआउट रेट ज्यादा बढ़ जाती है, तो उससे किसी का इकोनॉमिक फायदा होती नहीं है. सो इस बारे में आई थिंक सेक्टर वाइज कॉन्वर्सेशंस होना बहुत जरूरी है, सेक्टर वाइज डीप डाउन करके जेंडर बायस पे उनका लॉज फॉर्मुलेट करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. जी बिल्कुल मिताली, क्या आप सहमत है कि सेक्टर वाइज अप्रोच चाहिए, जेंडर कंसिडरेशन चाहिए पूरे विश्व में अब, और एक ऐसे फ्रेमवर्क होनी चाहिए, ऐसे डिबेट्स होने चाहिए और उससे फिर कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए? और काफी लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ऐसे लॉ आते हैं तो एम्प्लॉयज जो हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनकी जो प्राइवेट लाइव्स हैं, जो पर्सनल लाइव्स हैं, उन पर जो है उनकी अगर छुट्टी का दिन है और उनकी जो प्राइवेट लाइव्स हैं उस दिन पर, उस घंटे पर, ये नहीं कि एक इन्वेजन हो सकती है, एक तरह से मैंडेटरी नहीं है कि एम्प्लॉयर जो है, और एम्प्लॉयी को गिल्टी नहीं फील होना होगा, एक चॉइस है. अगर एम्प्लॉयी अगर उस वक्त जो है रिस्पॉन्ड कर पाए या नहीं कर पाए, वो एक तरह से एक चॉइस बन जाती है. और ये भी एक डिबेट है कि क्या रीज़न जो है, अगर कारण क्या है, अगर आपके बॉस ने आपको कांटेक्ट किया है तो क्या वो बहुत ही महत्वपूर्ण है लॉ के प्रति भी? तो ये सारी ही लाइंस जो हैं अभी काफ़ी ब्लर्ड है, तो आपको क्या लगता है इन सब पर एक फ्रेमवर्क जो है अब चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी. सो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं. वीकेंड का कॉन्सेप्ट कब से आया, मतलब जब फैक्ट्री बेस्ड वर्क होता था ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में, जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था 1800s में, 1900s में, जब प्रॉपर हम कहते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स का बर्थ हो रहा था, तब एक ये कॉन्सेप्ट आया कि जो आपके फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको रेस्ट की भी जरूरत है, वो इंसान है, ह्यूमंस हैं, तो एक दिन उनको संडे मिलेगा. क्यों संडे? बिकॉज उस टाइम क्रिश्चियनिटी से लिंक्ड था, और तब ये डिसाइड हुआ था कि संडे छुट्टी का दिन होगा, मतलब इन दोज इकोनॉमीज. अब हम देख रहे हैं पूरे दुनिया में सैटरडे संडे का एक कॉन्सेप्ट आया है जो कि हमारा वीकेंड है. और प्रिटी मच हमें पता है कि वीकेंड पे काम हमें कभी कभी करना हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम सारी कंट्रीज देखें दुनिया भर में, तो 2 दिन हफ्ते के छुट्टी के रहते ही हैं, चाहे वो फ्राइडे सैटरडे हो या वो सैटरडे संडे हो, टिपिकली यही 2 दिन आपके रहते हैं. अब एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है 4-day work week का, जिसमें हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन ही आपके वीकेंड का कॉन्सेप्ट रहे. तो अब लेकिन इस दिन पर अगर आपका एम्प्लॉई आपको वापस नहीं मैसेज करता है, या फिर आपका जो आपका क्लाइंट है उसका मैसेज आपके पास आता है, आप वापस नहीं मैसेज करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट ऑफ बनी हुई है कि हाँ मैंने उसको वीकेंड पे मैसेज किया. अब हमें आवर्स के बारे में भी एक ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है कि मैंने उसको बहुत लेट मैसेज किया है, वो अब शायद मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे इस टाइम पे. और ये अंडरस्टैंडिंग मैं जेन जी को, जो हमारे यंग वर्कर्स हैं, उनको क्रेडिट देना चाहूंगी, क्योंकि बाय एंड लार्ज सारे ही जेन जी आपको इवनिंग्स में या वीकेंड पे रिप्लाई नहीं करेंगे, वो अपनी छुट्टी पे गए होंगे तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे. और ये उन्होंने एक कलेक्टिव कल्चर बनाया है जिसके जो हम भी उससे बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हम नहीं करेंगे.
और ये अभी भारत में ये लॉ नहीं है, ये फ्रेमवर्क नहीं है, कल्चरल शिफ्ट बना दो, और ये एम्प्लॉयर्स को भी इससे क्या फील होता है वो भी एक समस्या है, और क्या कारण जरूरी है क्या कारण जरूरी नहीं है, तो ये एक डिबेट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिबेट है, क्योंकि जैसे आप डॉक्टर्स की बात करें, अगर कोई लाइफ एंड डेथ इमरजेंसी है और आपको किसी का रिस्पॉन्स चाहिए, तो ऑफकोर्स ऐसे एक्सेप्शन भी इस लॉ में बने होने चाहिए। तो आई थिंक हर सेक्टर के लिए, जैसे संचिता ने बोला, हर सेक्टर के लिए कुछ डेफिनेशंस होने चाहिए कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और आपको प्रायर इंफॉर्मेशन भी देनी चाहिए कि इस टाइम पर मेरा नेटवर्क नहीं रहेगा। जैसे अगर आपने डिस्कनेक्ट कर दिया और आप किसी नो नेटवर्क जोन में है, तो वो भी आप बताइए कि मेरा नेटवर्क नहीं रहेगा। तो ये कम्युनिकेशन की बात है जो आई थिंक एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के बीच में बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। और संचिता, क्या आप सहमत है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रोडक्टिविटी को हम कैसे मेजर करें। प्रोडक्टिविटी अब आज की डेट में हम हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय को कम्यूट करके 2-3 घंटे रास्ते में आके फिर ही अपना आउटपुट दिखाना है। अब एम्प्लॉय अपनी एफिशिएंसी और अपना आउटपुट जो है, अपनी प्रोडक्टिविटी जो है, अगर कम घंटों में और कम दिनों में दिखा रहे हैं, तो वो भी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ये तो पूरी कल्चरल शिफ्ट की बात है, एंड ऑल्सो अ मैटर ऑफ इक्वालिटी, जो मैं मॉनिटरली बोल रही थी, मॉनिटरी एस्पेक्ट। बॉटम लाइन तो मतलब यही है कि पैसे कितने बन रहे हैं, मैं इतना काम भी कर रही हूँ, मेरा ये नहीं कि काम अनपेड हो रहा है। एक तो मैं को मैंडेटरी करना पड़ रहा है, वॉलंट्री भी नहीं है और वो अनपेड भी जा रहा है। तो प्रोडक्टिविटी इस हिसाब से, मतलब अगर हम सिर्फ नेट प्रॉफिट देख के करें, तो वो मतलब उसका तो एक ही फॉलआउट है, एक ही आउटकम है कि हम कभी भी एज अ विजनरी, एज अ लीडर ग्लोबल स्टेज पे नहीं आ पाएंगे। आप देखो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से कितने इंडियन कंपनीज एक्चुअली फीचर करते हैं, और क्यों नहीं करते? वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, लीडरशिप है हमारे कंपनीज में, आर वी टॉकिंग अबाउट लीडर्स और आर वी टॉकिंग अबाउट जस्ट बॉसेस और एम्प्लॉयर्स? मतलब देर इज काफी डिफरेंस है लीडर होने में और विजनरी होने में और बॉस होने में और एन एम्प्लॉयर होने में, राइट? लीडर्स जो लोग हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, दे विल थिंक ऑफ प्रोडक्टिविटी, नहीं कि नेट प्रॉफिट कितना है, टर्नओवर कितना है, उतना नहीं देखेंगे। वो देखेंगे कि आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, एम्प्लॉइज ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है कि नहीं, जो सिटी में है, जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज है, जहाँ जहाँ वर्क प्लेसेज है, वहाँ पर कम्यूट टाइम कितना हो रहा है, हाइब्रिड वर्क मॉडल में प्रोडक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर एक्चुअली काफी स्टडीज हो रहे हैं, फ्रांस भी राइट टू डिस्कनेक्ट पे एक्चुअली स्टडीज कर रहे हैं, जर्मनी भी काफी हद तक इन चीजों पे स्टडीज करी, बिकॉज दीज आर वेरी न्यू थिंग्स, ये काफी न्यू है, बट इन पे कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा मटर्निटी बेनिफिट्स देने का बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया इंडियन इकोनॉमी में, वुमेन जो है लार्ज नंबर्स में वर्कफोर्स एक्चुअली में ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया फैक्ट्री लॉ जो 1948 का लॉ है, मटर्निटी बेनिफिट्स का बहुत अच्छा उन्होंने प्रचार किया है। So this has actually helped women to be more productive. तो इसमें जो right to disconnect है, work hours का जो debate चल रहा है, इस पे यही आना चाहिए कि cultural shift है, हम किस कैसे work environment को toxic work environment में ना बदले। It is not nice कि हमारे देश को कोई slave ship कहे या ऐसा कुछ कहे, right? तो monetarily कितना बना रहे, लोगों का choice है कि mandatory है कि नहीं, ये choice हमेशा होना चाहिए। और यही देखना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ बर्नआउट रेट भी जितना हो रहा है मिलेनियल्स जेंजीज के साथ, ये बर्नआउट इस पे स्टडीज है कि नहीं, कि अगर आप फोर्स कर रहे हो किसी को कि 70 आवर्स अ वीक की, ठीक है नहीं, इंडस्ट्री हमारी ऐसी है, जवाब दे दिया गया नहीं हमारा तो ऐसे ही है, आपके क्लाइंट्स कॉल करेंगे, वो यूएस बेस्ड है तो आपको रात को कॉल्स देना पड़ेगा, तो फिर बर्नआउट रेट क्या है? बाय द टाइम आप 30 या 40 ईयर्स है, अगर आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसका लायबिलिटी कौन लेता है? तो उसपे एक और चर्चा आती है कि हमारे देश में जुडिशियल रिफॉर्म्स है कि नहीं। मतलब अगर आप देखोगे यूएस में, इट्स अ वेरी लिटिजियस, मतलब काफी हद तक लिटिजियस सोसाइटी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। अगर आपका कोई तकलीफ है तो आप मीडिएटर के पास जाओगे, वहां पर आर्बिट्रेशन होगी और रिकंसिलेशन होगी। यहाँ पर हमारे देश में डू वी हैव दैट रिकॉर्ड्स, लीगल रिकॉर्ड्स है कि नहीं, अग्रीमेंट्स बनते हैं कि नहीं, ये सब चर्चा होना बहुत जरूरी है।
जी बिल्कुल, चर्चा होना बहुत जरूरी है, एक फ्रेमवर्क जो है बहुत जरूरी है, और एक ब्लैंकेट फ्रेमवर्क नहीं, जैसे कि आपने कहा एक सेक्टर वाइज सेक्टर, सिटी वाइज सिटी जो है एक अप्रोच चाहिए, और सबसे पहली बात तो यू नो ये चर्चा में जो है आना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जैसे कि आपने कहा जैसे जेन जी है, आने वाली जनरेशन है, वर्क लाइफ बैलेंस जो है उनके मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए भी क्लैरिटी हो। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए, और हम इस टॉपिक पर और भी बातचीत करते रहेंगे। Thank you.